हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस हमने देख ली सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा पटनानी की मस्ट अवेटेड फिल्म योद्धा, डायरेक्टेड बाय पुष्कर ओझा और सागर अंबेले। धर्मा प्रोडक्शन के तहत मतलब करण जौहर के निर्माता के अंदर योद्धा मूवी बनी। आइए अपने से बात करते हैं मूवी कैसी है। थ्रिलर एक्शन से भरपूर है या और भी चीजें। आइए अपन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जितना हो सके उतना दबा के सब्सक्राइब करिए। प्लीज गाइस इस महीने की एंड तक मुझे 100 सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज आपका बड़ा आभार होगा। और वीडियो में जान रहे अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट वीडियो। या फिर तिरंगा, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें थोड़ा सा देश मसाला डाला गया है, देशभक्ति का मसाला डाला गया है। इसमें एक स्पेशल फोर्स दिखाई जाती है जिसका नाम देता है योद्धा, जिसमें अरुण यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा रहते हैं। अरुण एक मिशन में फेल हो जाता है मिस्त्री, दूसरे टाइम वो किसी अन्य फ्लाइट में पाया जाता है जो हाईजेक हो जाती है। वहां पर क्यों था या फ्लाइट हाईजेक उसने किया है या फिर वो गद्दार था या नहीं था, इन्हीं सभी सवालों का आपको जवाब देखने के लिए ये मूवी देखना पड़ेगी योद्धा, जिसका रनिंग टाइम है 2 घंटे 12 मिनट। फिल्म की कहानी शुरुआत से ही फास्ट एंड बेस है और फिल्म आपको शुरुआत से ही इमोशन कनेक्ट करने में कामयाब होती है। शुरुआत से ही आपको ये फिल्म पर्सनली कनेक्ट करती है क्योंकि शुरुआत में ही फर्स्ट टेक में पूरा एक्शन में वो सीन अच्छा भी लगता है, लेकिन 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 जो देशभक्ति के नाम पे ये पाकिस्तान घुसाया है वो लोग ऐसी पिक्चर देखते हैं और लोग ऐसी पिक्चर देखने में बिल्कुल भी कतराते नहीं है, इसलिए मेकर्स को पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। क्या बोलती वीडियो, इनकी खास बात यह है कि ये अपने टॉपिक से बिल्कुल भी भटकती नहीं है, ये आपको बिल्कुल इंगेज करके बांध के रखती सीट पे, आपको कहीं भी बोरियनेस नहीं लगता, आपको बिल्कुल ट्विस्ट एंड एक्साइटमेंट से भरपूर लगता है मूवी। मूवी का फर्स्ट हाफ इतना फास्ट है कि आप बिल्कुल अपने को काबू में नहीं कर पाओगे, नहीं पाओगे कि सेकेंड हाफ में क्या होगा, बिल्कुल ट्विस्ट से भरपूर। इंटरवल के टाइम में जो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं वो बिल्कुल दिमाग को हिलाने वाले लगते हैं और इसमें दिशा पटनानी का भी एक अलग ही रोल है, वो मैं आपको डिवाइड नहीं करूंगा पर क्या एक्टिंग करी मानना पड़ेगा। तो दिशा पटनानी जो लेकर ट्विस्ट है वो आपको अच्छा लगेगा, जैसे जैसे स्टोरी एंड को जाती है ना और भी सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हो जाती है फ्लाइट। एनीवेज मूवी फास्ट भेस है, आपको इंगेज करके रखती है और गाने भी ठीक ठाक, म्यूजिक के साथ पिक्चर भी चलती रहती तो कोई बोरियत की बात नहीं रहती है और इसमें एक्टिंग भी सबने अच्छी की है, गाने भी अच्छे हैं, आपको कोई बोरियत नहीं लगती गाने में और पिक्चर अपने टाइम अनुसार स्टोरी अनुसार प्लॉट अनुसार चलती रहती है, आगे पीछे नहीं। और एक्टिंग वाइज सबने अच्छी एक्टिंग करी है और आपको लास्ट वर्ड जब पिक्चर का चलता रहेगा तो आपको बिल्कुल सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेषा जैसी मूवी की एक्टिंग की याद आएगी कि लास्ट में जो उन्होंने एक्टिंग शेषा में की थी वो एक्टिंग उन्होंने इसमें भी की है। मूवी में ड्रामा, एक्शन, ट्विस्ट अच्छे है। तो गाइस ओवरऑल ये मूवी मुझे ठीक लगी, आप भी जाके देखिए फैमिली के साथ। तो मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 की रेटिंग दूंगा। पिक्चर फैमिली फ्रेंड के साथ देखने लायक है तो जाइए देखिए एक एक्शन थ्रिलर सस्पेंस ट्विस्ट से भरपूर योद्धा मूवी। तो हेलो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।